नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि फ्राइडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के एक्सपायरी स्पेशल लेवल के लिए, आज के लाइव एनालिसिस के लिए लाइक बनता है यार। 500 लाइक वीडियो को अभी कभी कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट पर ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करके अभी के अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कल जो भी लेवल दिया था दोस्तों, वहां से 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला था कल। और आप देखते स्टूडेंट लोग लाइक 34,000 प्रॉफिट, 23,000 प्रॉफिट, 35,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा, अगेन 20,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा कल दिन गया था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। इवन आज भी आप देख सकते दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर लेवल जैसे मैं करता हूं हमेशा अपडेट कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते सुबह सुबह जो भी मैं लेवल दिया था दोस्तों, एक सेलिंग का लेवल दिया था, वहां पे कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का छोटा सा मूव आया और कहीं ना कहीं मार्केट आज वोलेटाइल था। उसके बाद आप देख सकते हैं लाइव ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी देता हूं, तो जाइए अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है ना दोस्तों, ये के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि लाइव मार्केट है, हमको पता होना चाहिए कि मोमेंट किस तरफ आने वाला है। यहां पे क्लियर लिखा था 37,300 पे कॉल राइटर बैठे हैं, अगर इस लेवल के ऊपर निकलना चालू करते हैं तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा बोल के आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रेक किया, यहां पे सस्टेन किया, वहां पे 100 पॉइंट मिला और कहीं ना कहीं पूरे दिन आप देख सकते हैं उसके बाद पूरे के पूरे वोलेटाइल रहा। क्यों रहा? क्योंकि अगेन में ऑप्शन चेन एनालिसिस में लिखा था 37,500 पे मेन रेजिस्टेंस है, वहां पे कॉल राइटर भर भर के बैठे हैं बोल के क्लियरली मैंने लिखा था। और वहां पे आप देख दोस्तों इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, उसके नीचे ही रहा। तो लाइव ऑप्शन चेन एनालिसिस लेवल वगैरह हो गया 200-300 पॉइंट का डेफिनेटली मोमेंटम देता है लेवल वगैरह, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमारे लिए प्लान क्या रहना चाहिए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी में हमें कल बाइंग कब करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट है, थोड़ा सा गैप अप नहीं हुआ और समझ लीजिए 37,500 लेवल को अगर ब्रेक कर गई, इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो यहां से आपको 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब तो समझ में आ गया कि ओके इस लेवल के ऊपर गया तो बाय करते हैं, लेकिन रीजन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर देखोगे दोस्तों, ये जो मैं रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस जो है बार-बार अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को टच किया, प्राइस नीचे गिर गया, फिर आप देख सकते हैं घूम फिर के प्राइस यही ट्रेंड लाइन को आया, टच किया, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कितना अच्छा खासा गिर गया था। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली कल के दिन भी आप देख लीजिए कि प्राइस कहीं ना कहीं वही सेम ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं टच किया और कहीं ना कहीं गिर गया। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां से क्या पता चलता है, ट्रेंड जो है अभी भी डाउन साइड में है, ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ठीक है, सो दैट पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के जो दिन है 37,500 एक लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस था, और आप देख सकते हैं मार्केट भी कहीं ना कहीं वही सेम लेवल को 3-4 बार रिस्पेक्ट किया लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर नहीं आ पा रहा था। आप देख सकते हैं बार-बार वही सेम लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट रिटर्न कर रहा था, लेकिन अगर आप नीचे से भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा अपसाइड का व्यू हम बना सकते हैं, तो सिंपल सा हम रीजन रखते हैं कल अगर समझ लीजिए फ्लैट है फिर गैप ओपनिंग होता है जैसे करके भी, और समझ लीजिए यहां पे ऐसे ओपन हुआ 37,500 लेवल को अगर ब्रेक करता है तो पहला पॉइंट ये है कि ओके आज का जो रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक कर रहा है, उसके साथ साथ अगर 37,550 के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है तो सिंपल सी बात है आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन अभी मैं आपको बताया, ये जो पूरे डाउन ट्रेंड था कहीं ना कहीं ये जो डाउन ट्रेंड है कहीं ना कहीं यहां पे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा अगर 37,500 के ऊपर निकलना चालू करता है और यहां पे रिटेस्ट करके अगेन ऊपर जाना चालू करता है तो क्लियर कट आपको 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोनों रीजन आपको पता चल गया, लेकिन आप बोल सकते हैं कंफर्म अपसाइड कब हो जाएगा, कंफर्म अपसाइड दोस्तों 37,827 के ऊपर अगर निकल गया ना दोस्तों आप समझ जाना बैंक निफ्टी अभी बुलिश हो चुका है, क्योंकि ये जो कंप्लीट ट्रेंड है, जो कंप्लीटली ट्रेंड अब देख रहे हैं डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं यहां पे तो चेंज होगा, लेकिन चेंज होने का फर्स्ट स्टेप 37,500 ब्रेक करेगा, सेकंड स्टेप फाइनल स्टेप 37,827 अगर ब्रेक कर देगा तो ही आप बोल सकते हो ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जो है ये लास्ट स्विंग है और यहां से अच्छा खासा गिरा था। सो दैट इसके ऊपर ही आप सोचना, ठीक है, सेल कब करना है, सेलिंग का आपको सोचना नहीं है अभी, थोड़ा सा 37,000 के नीचे अगर दोस्तों क्लोजिंग दिया तो ही आपको सेलिंग करना, उससे पहले मैं आपको कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि एक राउंड लेवल है और यहां पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट ये जो प्लेस है यहां पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, ये प्लेस पे हॉल्ट किया, उसके बाद ऊपर गया है, तो ये जो है अच्छा खासा सपोर्ट जो है इसके नीचे आपको सेलिंग करना होगा। कल अगर समझ लीजिए मार्केट कोई वर्ल्ड मार्केट की वजह से गैप डाउन भी ओपनिंग हो गया 37,000 आते ही आप बाय करना, छोटे से स्टॉप लॉस देकर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। चलिए देख ले दोस्तों जल्दी से निफ्टी में हमें क्या करना है। देखिए निफ्टी में ध्यान से देखिए,
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल सी बात है। निफ्टी अगर आप देखोगे दोस्तों, पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, जब ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड होता है, कैसे होता है आप भी समझते हैं, जब ट्रेंड अपसाइड जाता है तो ट्रेंड ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, राइट, इतना आपको समझ में आ गया। और जब ट्रेंड डाउन होता है तो आप भी जानते हैं कि मार्केट नीचे जाता है, एक पुल बैक मारता है, फिर नीचे आता है, राइट, तो इतना आपको यहां पर समझ में आ गया। तो चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर अगर आप क्लियरली देख सकते दोस्तों, निफ्टी जो है यहां पर एक स्पेसिफिक डाउन मूव दिया है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं डाउन मूव दिया है और कहीं ना कहीं फिर ऊपर गया और कहीं ना कहीं यहां से रिट्रेसमेंट लेके एक नीचे चला आया और फिर यहां से नीचे लाइक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो कहीं ना कहीं अपसाइड थोड़ा सा तो बन रहा है, बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कहीं ना कहीं बन रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, निफ्टी जहां से गिरा था और जहां पर लो लगाया था, यह है निफ्टी का लो और यहां से निफ्टी गिरना चालू हुआ था, तो यहां से लेकर यहां तक मैंने क्या किया, एक फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। तो फिबोनाची का जो लेवल है दोस्तों 61% हो गया, 50% हो गया, 38%, कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट की तरह हमें काम करता है, कहीं ना कहीं यहां से रिवर्सल स्पॉट होता है। सो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सिंपली मैंने क्या किया, लो से लेकर हाई तक मैंने फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया, हमारे सामने तीन लेवल निकल गए 61% का, जो गोल्डन लेवल होता है 17,601। कल के दिन आप देख सकते दोस्तों इंटरेस्टिंग बात, कल मार्केट ऊपर तो आया लेकिन यही सेम 61 लेवल को आप देख सकते गोल्डन लेवल को टच किया और मार्केट कितना अच्छा खासा फॉल किया था, तो हमारे सामने सिंपल व्यू बन गया। कल के दिन दोस्तों अगर 17,596 जो 61% का गोल्डन लेवल है फिबोनाची का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया तो आप टारगेट देख सकते हैं 17,712 तक, क्योंकि ये है हमारा फिबोनाची का 50% का गोल्डन लेवल, आप देख सकते हैं क्लियर कट 50% का लेवल है और यहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस सेक्शन और फिबोनाची दोनों को अगर आप मिला लो तो बहुत अच्छा खासा एक लेवल निकल रहा है 17,712, राइट। सो दैट 17,596 के ऊपर अगर निकलना चालू किया तो आप बाय करना, रीजन है फिबोनाची का गोल्डन लेवल भी टूट जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक कर जाएगा और इसके ऊपर आपको अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग का दोस्तों मैं आपको क्या समझाऊं, सेलिंग का सिंपल सी बात है, 17,357 ब्रेक करने के बाद आज का जो लो था वो अगर ब्रेक करने के बाद आप सेल करना, उससे पहले बिल्कुल ही मत करना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। Take care, bye and see you.